अभी हम लोग क्या है, एक ओवर ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। अब हमको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, दूसरी साइड जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से रोड है ही नहीं। ये हाइड्रो एनर्जी प्लांट वांगतू, दिस प्लेस इज कॉल्ड वांगतू। वांगतू वांगतू जांगतू आई बला को डाल तू। ये डैम आगे जो कच्छम डैम मिलेगा, जहाँ पे हम आपको जरूर वो चीजें दिखाएंगे। ब्लॉगिंग है यार, कच्छम 2 किलोमीटर, कच्छम डैम इज 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये गाड़ियां जली कैसे यार, ये नहीं समझ में आया। ये 2 गाड़ियां कल भी देखी थी हमने आते हुए भाई, ये एकदम से ये लोडेड ट्रक थे जिनकी वजह से इनके इंजन में आग लगी, लोड आया, लोड की वजह से वो हीट किया, हीट की वजह से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्टिंग के बाद ये जल गए। और आपको पता ही है डीजल हो या पेट्रोल हो कितनी जल्दी आग पकड़ते हो, कैसे है यार। एक्चुअली क्या है ना यार, सुबह इन्होंने बहुत हल्का सा ब्रेकफास्ट करवाया जिसकी वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है। तो बहुत तेज नहीं बोल सकता, अगर मैं बोलूंगा तो सबको लगेगा ये लड़ रहा है। नहीं, आपने ब्रेकफास्ट जो है खुद कम किया है जनाब, आपने एंड में एग भी नहीं खाया जो एक आपके लिए बॉयलेग मंगवाया था। ये देखो यार, बड़ी सही झूठ झूठ थाना रिकाउंट पियो समाप्त। अब आप ये घुसने वाले हैं टापरी, अब वो देखो डैम के लिए जो कंस्ट्रक्शन बनाई गई है, बेस बनाया गया, वो देखो मैं इधर से दिखा, आप अपनी तरफ से दिखाओ। अभी देख रहा है ये, आप देख रहे हो इधर, अभी यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में आपको डैम का पूरा ही दिखेगा। ये पूरा ये कच्छम डैम है और इसकी कंस्ट्रक्शन चली है, बड़ा सही यार। ऊपर तक इन्होंने पहाड़ को इन लोगों ने ऐसे कर दिया है कि जैसे कि हम लोग ड्रेस पहन लेते हैं ना, पूरा इसको ड्रेस पहनाया ऊपर तक। ये देखो 300 मेगावाट की बिजली बन रही है यहाँ पे डेली, 300 मेगावाट देवभूमि की नौ पावर प्लांट, देवभूमि की नौ, यहाँ पे 300 किलोवाट की ये लोग ऊपर से पानी फेंकते हैं और टरबाइन चला के उसमें ना, फिर ये लोग जो है इसमें 300 किलोवाट डेली प्रोडक्शन है इनकी जो बिजली की है यार। 300 किलोवाट यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 3 लाख वाट बिजली रोज बना रही है हम लोगों के जीवन में रोशनी के लिए। हाँ। देखो हमारे जो घर में जो बल्ब चलते हैं, अब तो खैर एलईडी चलने शुरू हो गए, वो तो 2-2, 4-4 वाट की होती हैं, तो आप सोचो कितनी वोल्टेज बिजली बन रही है। पहले जो हमारे बल्ब हुआ करते थे वो 60 वाट 100 वाट होते थे, 100 वाट 200 वाट। हाँ, और अब जो एलईडी आ रही है वो 2 वाट 3 वाट में उससे डबल रोशनी करती है, तो बिजली की कितनी टेक्नोलॉजी ने सेविंग की है। चलो यार ये भी ना एक बड़ा सही हुई है, अभी हम उधर ही जाएंगे घूमते घूमते। ये रोड आ गया है आपका कच्छम डैम, ठीक है, कच्छम डैम, ये कच्छम डैम है आपका और ये पूरा रिजर्वॉयर है, यहाँ से ये लोग पानी रोकते हैं, पानी रोक के इसको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो आपने पीछे प्लांट देखा था, हाँ, वो बिजली वाला प्लांट, वो बिजली वाला प्लांट, तो ये सब उसी के लिए स्टोरेज होती है, बिजली के लिए स्टोरेज होती है एक्चुअली। अभी हम झटके ले लेके धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसी डैम को क्रॉस करने वाले हैं, कच्छम डैम। यहाँ पे आपकी सीआईएसएफ की रेजिमेंट होती है, ये ऑल इज मैनेज्ड बाय लोकल पुलिस एंड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की कमांड में होता है ये, सारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स उनके हाथ में होते हैं। तो अभी भी हम फिर से दोबारा से लाइव आ चुके हैं, ये मतलब हमारे लिए लाइव है। भारतीय सेना का मोटो है सबसे पहले देश की इज्जत, फिर रेजिमेंट की इज्जत, फिर खुद की इज्जत। बड़ा सही है यार ये देखो पहाड़ कितनी हाइट वाले और नीचे रेजिमेंट्स हैं जो हम लोगों के लिए यहाँ पे वो बनी हुई है। और ये एमएच है, आई थिंक सो मिलिट्री हॉस्पिटल, हाँ कच्छम, और यहीं पे 2-3 रेजिमेंट भी हैं, यहाँ पे बीआरओ है, यहाँ पे मेडिकल है, पूरा यहाँ पे पूरी, यहाँ पे पाइनियर है, यहाँ पे
बीआरओ भी है। देखो यहाँ पे पत्रों पे लिखा हुआ जय हिंद, हाउ इज द जोश, हाय सर, फौज का मोरल हमेशा हाई रहे। और ये पाइनियर कॉर्प्स है, आई थिंक मेरे हिसाब से वही है। अभी मैं आपको आगे दिखा ही देता हूँ। देखो यहाँ के हर एक पत्थर में ना कुछ कुछ बनाया हुआ है, कोई रेजिमेंटल साइन, कोई धार्मिक साइन, कोई मोटिवेशनल साइन। ये आप देखते हैं, ये पाइनियर कॉर्प्स आ चुकी है। सत्यमेव जयते पाइनियर कॉर्प्स, कोर बोलते हैं वैसे कोर। लिखने में कुछ होता है, बोलने में कुछ होता है, हम इंडियंस भी कुछ और ही होते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। भाई हम है देसी बंदे, हम है देसी, भाई अंग्रेजी ने उतने बढ़ाए जितने लिखे हैं। तनु कह देख रहे हैं भाई, अगर मैं अगर खड़ी बोली बोलूंगा तनु कहेंगे ये तो लड़न आवा है। ये तो लिखा हुआ ये देश है वीर जवानों का, हिम्मत बेलों का, मस्तानों का, हिम्मत वतन की हमसे है, ये लिखा हुआ था देखो पत्थर पे। और ये पाइनियर कॉर्प्स का मेन गेट है, जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, भाई अपन देसी है, नुई चले गया है पाइनियर कोर का। अरे बड़ी सही जगह है, यहाँ पे ऊपर से पहाड़, नीचे रेजिमेंट, और ऊपर से पत्थर कभी भी आ जाते हैं, इनको बोलते रहते हैं नीचे कैच करो और ये करते हैं, चैलेंजिंग है ना। पाइनियर कोर इज अ माउंटेन रेजिमेंट। यस, मेरा ब्रदर भी पाइनियर कोर में है। फिर कोर यार वो चलेगा अभी थोड़ी देर पाइनियर कोर ज्यादा करेगा फिर लड़न नू भी आ जाऊंगा। यहाँ भी है कुछ खुट्टा गाड़ूंगा, फिर बाद में खुट्टा पाल भी दूंगा भाई साहब, देख लो जो मर्जी करूं। थारी के मैंने बहस चोरी कर ली है ना, ऐसे है ना। जय हनुमान जी, संकट मोचन महाराज की जय हो। थम मुझे सिखा रहे हो हिंदी इंग्लिश, सांझ को 7 बजे के बाद बैठी हो, फिर बताऊंगा। मॉर्निंग 7 to evening 7 मेरा डिपार्टमेंट है, इवनिंग 7 to फिर मॉर्निंग 7 तो भाई साहब मेरा ट्यूशन। और ये क्या सिग्नल सेंटर कड़छम, ये सिग्नल सेंटर है भाई साहब, जहाँ पे फौज होगी वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन को दुरुस्त रखने के लिए सिग्नल रेजिमेंट होगी। यस, और यहाँ पे भाई साहब इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल है ना, ये आर्मी स्कूल भी है और यहाँ पे DPS भी है, मतलब सही है यार। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यार कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो भर्ती होती है वो पहाड़ों से होती है, हिमाचल से और उत्तराखंड से होती है। हमारे वीर जवान सारे के सारे जो है वो पहाड़ी है मोस्टली। चलो आपको इधर कुछ दिखाते हैं, ये दूर, ये थोड़ा सा ओहो जोर का झटका, हाय धीरे से लगा। चलो कोई बात नहीं, अभी 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 जैसा भाई साहब ने बोला, हमारी आर्मी जिसकी वजह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ तक कौन पहुंच पाता। ये लोग बैठे हैं तभी हम लोग सेफ हैं और हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं भाई। तो सल्यूट, दोबारा आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। सही है यार, अभी ये छोटा सा टाउन है, शहर है, कस्बा, हमारे टाउन कस्बा कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही, कस्बा विलेज। और देख लो बस इतना सा ही होता है, और इसके बाद ये यहाँ से मैं बोलना बंद नहीं करूँगा, उससे पहले एंड हो जाएगा। वैसे मैंने बोलना बंद ही कर दिया तो ये भी एंड ही हो गया, ये लास्ट था बस। वेलकम टू लर्न, गो टू स्कूल। ये चीजें कटेंगी यहाँ पे, ट्रैफिक लॉजिकियन, ट्राइपिक लॉजिस्टिशियन, यूके है अपने आर्मी का ही लग रहा है। सही, ये लॉजिस्टिक्स वाले जो है ना, जो की गाड़ियां वगैरह और सपोर्ट मैकेनिज्म है, ये सारे रेजिमेंट्स का जो है। देखो नीचे गाड़ियां नजर आएंगी, नीचे MI रूम है पूरा, देख रहे हो नीचे लोग, सारी गाड़ियाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये कोई गाड़ी खराब हो कुछ हो तो सारा मैकेनिकल काम यहाँ पे हो जाता है, लॉजिस्टिक नहीं रुकना चाहिए उसके उसके लिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जितनी ये टंकियाँ ये सारी की सारी किसी की टंकी खराब। और मैं जब भी अभी वीडियो बना रहा था तो पाइनियर अपनी कोर जो है उसके जो गेट पे हमारे जीजी ड्यूटी में ऑफिसर थे, ठीक है, वो मेरे को ऐसे सच में देख रहे थे, और जेन्युइन है, उनको देखना भी चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी वहाँ पे दे रहे हैं कि पता नहीं ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, है ना। तो करेक्ट,
अच्छा लगा मेरे को यार, वो अपना काम अच्छे से निकल रहे हैं। ये देखो ये बुलडोजर रखा हुआ है, ये तो कुछ बुलडोजर है बीआरओ, ये लैंडस्लाइड हटाने के काम आते हैं बड़े। अभी देखो ये सामने आप देख रहे हो, ये पहाड़ पूरा इसने आगे तक पूरा लैंडस्लाइड हुआ, इसने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया, खत्म ही कर दिया। इन लोगों को यहाँ पे ये ब्रिज बनाना पड़ा, ये पुरानी ठीक है। अब ये देखो, वो देखो ना उस साइड, यहाँ से हम इस ब्रिज पे जाएंगे पहले, फिर यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम घूमेंगे, फिर एक ऐसा ही ब्रिज बनाया फिर उस साइड जाने के लिए, क्योंकि उस उस सारे पहाड़ में, वो इतना बड़ा पहाड़ है जिसको बनाने में, साफ करने में, क्लीन करने में और वो सब करने में उतना खर्चा आ जाएगा, और वो फिर से एक मिनट में सब बराबर कर देगा ये सामने की साइड। तो इन्होंने साइड से ही रोड दे दिया कि भैया हम आपसे जबरदस्ती जिद नहीं कर सकते और आपका सामना नहीं कर सकते, तो हम साइड से निकल जाते हैं। तो साइड से ये रोड बनाया और फिर आगे वो पुल दिया। अरे ये तो इतना पहले रोड था, ये पूरा लैंडस्लाइड है, देखो ये पूरा रोड पूरा रास्ता बंद कर दिया यार इसने तो, एक इसने छोड़ा ही नहीं कुछ। अरे ये सारे बड़े बड़े जो पत्थर है ना, ये सब जो नीचे गिरे हुए हैं, ये देखो आप नहीं देख पाओगे यहाँ से, बट यार मैं फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये पहाड़ है, ये ऐसा है, थोड़े से मैं पूरा ही रोड खत्म कर दिया उसने, उसे मना ही कर दिया कि भाई मैं यहाँ से रास्ता नहीं दूंगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। नेचर के आगे कहाँ चलती यार किसी, नहीं चलती। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर साइड से रास्ता मांगा और साइड वाले पहाड़ ने बोला चलो ठीक है मैं दया कर देता हूँ। और ये जो ब्रिज भी बनाया ना, ये बीआरओ का बनाया हुआ ब्रिज है। हाँ बीआरओ का बनाया है, छोटा सा ब्रिज, इसमें एक गाड़ी जाएगी फिर एक आएगी, इसमें आरबी कलर्स। बड़ा सही है यार, और मैं इन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। ये देखो देख रहे हो, म्यूजिक भी चला है, डम डम डम। और आपने शायद नोट नहीं किया है, इस ब्रिज पे ना उन्होंने वो जो लक वाले जो तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं वो बांधे हुए थे, थोड़े थोड़े पुराने हो गए थे, दिख नहीं रहे थे क्लियरली। तो उससे ये होता है कि यार मदर नेचर प्लीज ब्लेस दिस ब्रिज, लोगों का आना जाना लगा रहे और जिंदगी चलती रहे। अरे दिल दरिया होना चाहिए, बाकी तो सब समंदर है। यस, ये ऊपर वॉच टावर बनाया है देखने के लिए कि ये लेफ्ट में आपके। अगर फौज ना हो ना तो भाई जिंदगी आती रह जाए आम जनता, और फौज के सपोर्ट में बीआरओ ना हो तो। जो इन्होंने एक अलग से ये बना के दिया है ना बीआरओ, हाँ, बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके लिए, रास्ता नहीं है, खाना नहीं पहुंचेगा, सप्लाई नहीं पहुंचेगी, आपको जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंचेंगी, आपको राशन नहीं पहुंचेगा, जो जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप शायद देखते हैं कहीं भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्या रोका जाता है, रास्ते बंद किए जाते हैं, सप्लाई बंद की जाती है, फूड आइटम्स उनको ना पहुंचे, मेडिकल सपोर्ट उनको ना पहुंचे। तो बीआरओ जो है इंडियन आर्मी, बहुत अच्छा एक टास्क निभा रही है जो बहुत जरूरी है। बीआरओ हो गया, पाइनियर कॉर हो गया, जो इन बना के पुल बनाती है, रास्ते बनाती है, छोटी छोटी रेजिमेंट्स खड़ी करती है, उनको बना के देती है, चलो भाई अब आ जाओ यहाँ पे बैठा हूँ। तो भाइयों देखो, हमारे कैमरामैन हमारे हमारा पूरा लोड ले लिया है, यहाँ रोल की अदला बदली हो चुकी है, व्लॉगर को बना दिया ड्राइवर और जिनकी गाड़ी है वो वहाँ पे बने हुए कैमरामैन। तभी मैं इनसे कुछ पैसे नहीं लेने वाला। तो भाइयों बने रहो विक्रम शर्मा माई शू मेमोरीज पे विद माय कैमरामैन अनुज मोटला। भाई मैं भी लग रहा हूँ जल्दी से ब्लॉगर बनने वाला हूँ, और फिर ये मेरे पास आएंगे भाई एक वीडियो कर दो यार मेरे साथ। टीम वर्क सही बात है, सिंगल कुछ भी नहीं होता है, टीम के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है। तो ये टीम है जिसका पहला मेंबर मैं हूँ। भाई वो देख रहे हो सीन, अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक सीन दिखाता हूँ। जो लोग यहाँ पे आके बहुत हीरो बनते हैं ना, फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका ये हाल होता है। ये देखो, देख रहे हो ये गाड़ी यहाँ पे आके गिरी हुई है, ये हाल होता है जो लोग बहुत ज़्यादा हीरो बनते हैं यहाँ पे आके। तो मेरी सबसे यार यही रिक्वेस्ट है कि भाई गाड़ी चला रहे हो तो कितनी ऊपर से गिरी होगी यार, ये कहाँ जाए गाड़ी पटकी है यार, नीचे सब खत्म हो गया होगा इसका, पत्थर थे तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी आके अटक गई है। तो भाई ड्राइव सेफ, दैट्स इट आई वांट टू से, ऑलवेज बी सेफ इन ड्राइविंग। भाई अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे रुके हैं, ये बुद्धा होटल एंड फास्ट फूड, वेज एंड नॉन वेज, पहाड़ों के ठीक नीचे हम लोग अभी यहाँ पे चाय पीने वाले हैं। ओ गई भाई साहब हमारी स्टैलियन इंडियन आर्मी की, क्या दहाड़ती भी जा रही है यार, और ये पहाड़ों के बिल्कुल फुटेज पे खड़े हैं, और ये भोले बाबा के दर्शन कर लो,
कितना सुंदर पत्थर यहाँ पे, इतने बड़े सुंदर पत्थर को क्या ग्राफिटी करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ये दूसरा गेस्ट है एलियन भाई, क्या दहाड़ रहा है, देख रहे हैं आप, भोले बाबा जय भोले शंकर। तो ये देखो भाई साहब पहाड़ों की ब्यूटी यार, मतलब है कोई इसका मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं भाई, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब, कोई मुकाबला नहीं भाई। वो देख रहे हो फिर फंस गए यार हम लोग ट्रैफिक जाम में यार, ये ब्लास्टिंग साइट है यार, पूरा ट्रैफिक जाम है यार, पूरा ट्रैफिक जाम है यार, अब क्या करें बताओ यार। ये है पहाड़ों को भाई, ब्यूटी इंजॉय करनी है तो आपको एक कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, ऑल गुड थिंग्स कम एट ए कॉस्ट, सो दिस इज वन ऑफ द कॉस्ट, ट्रैफिक जैम्स। तो अभी हम रुके हैं ज्यूरी से 5 किलोमीटर पहले, अकाउंट से काफ़ी नीचे आ गए हम लोग और बीच में ट्रैफिक जैम में भी फंसे, भूख लग रही थी भाई। तो अभी हम रुके हैं शर्मा जी के एक भोजनालय पे और यहाँ पे हम खाने वाले हैं राजमा चावल, पहाड़ी राजमा और पहाड़ी चावल एकदम देसी स्टाइल में, दिखाते हैं आपको देसी खाना, बढ़िया खाना क्या होता है। तो भाई हमारा खाना आ गया है, अब आपको दिखाते हैं हम क्या खाने वाले हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये है जो हम अभी खाने वाले हैं, देसी चावल, देसी राजमा और देसी कढ़ी विद अनियंस एंड विद ग्रीन चिली एंड सम फ्रेश कढ़ी और पहाड़ी राजमा, पहाड़ी राजमा राइट। अभी हमने एक चीज़ और मंगाई है, वो भी आने वाली है, जो भाई इंजॉय करो ये खाना। अभी तक हम सब कुछ उल्टा सीधे ही खा रहे थे यार, तो वो जो खाना है होटल वाला उससे तो ये मच बढ़ रहे हैं यार। तो भाई अब हमने इनकी फ्रेश एकदम पतली पतली बढ़िया वाली चपातियाँ मंगवा ली है और आलू बीन्स भी मंगवा लिए, अब आएगा असली मज़ा। अब हम आपसे भैया थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और हम खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में क्या बात। भाई अब रात हो रही है, अभी समय हो रहा है 7:10 और ऐसा अंधेरा हो गया है यहाँ पे। अभी हम नारकंडा पहुँचने वाले हैं और बीच बीच रास्ते में इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है क्योंकि पूरा रास्ता हम लोग आ रहे हैं रिकांगपियो से बारिश से, हल्की 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 बारिश हो रही है। अब पूरा मौसम बदलेगा और एकदम ठंड शुरू हो जाएगी और अगले महीने बर्फ़ भी पड़ जाएगी। तो भाई नारकंडा से अभी हम निकल रहे हैं, देख रहे हो आप टोटल विजिबिलिटी डाउन है इस वक्त और बीच बीच में बड़ी तगड़ी धुंध आ रही है, विजिबिलिटी और ज़्यादा डाउन हो जाती है यार। ये देखो भाई साहब फॉग देख रहे हो, कितनी जोरदार फॉग है यार भाई साहब, विजिबिलिटी जीरो हुई बढ़िया, पूरी तरह से हेडलाइटें काम नहीं कर रही हैं, इतनी जोरदार एकदम पूरा वो होता ना हॉरर मूवी अंधेरा तहखाना वैसा हो गया है। देखो यहाँ पे क्लियर हो गई है जोरदार, अब फिर आ गई देखो फिर शुरू, भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता हो रहा है इस वक्त यार। तो बने रहो दोस्तों मेरे चैनल पे और इंजॉय करो नारकंडा का रास्ता, भारी हल्की हल्की आपको अब शीशे पे बूंदे भी नजर आ रही होगी, बारिश भी शुरू हो रही है भाई साहब, देख रहे हो फॉग का हाल कितना बुरा हाल है यार, सामने की गाड़ी भी नजर नहीं आ रही यार, ये हाल है देखो फॉग का बॉस। अब ऐसे में आदमी क्या ड्राइव करे यार, बड़ी मुश्किल से हम लोग 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं यार, बहुत ही डेंजरस है भाई ये नारकंडा वाला रास्ता ना बहुत ज्यादा। गाइस एज यूजुअल अपन अपना ट्रिप खत्म करके अब लास्ट लेग में वापस जा रहे हैं घर, तो सीधा सीधा अभी अपन पहुंच गए हैं भाई करना लीन कार्ल ढाबा पे, ये गाड़ी अपनी वाइट फॉक्स पीछे और बस अब एक छोटी सी कॉफी ब्रेक लेके अपन निकलते हैं वापस बैक होम। सो भाई अब अपन अपने घर वापसी कर रहे हैं और आई जस्ट स्टॉप्ड इन बिटवीन इन करनाल एट नील कंठ ढाबा एंड आई एम हैविंग माय रेगुलर कॉफी। सो दिस इज माय सिंगल एस्प्रेसो शॉट एंड दिस इज द ब्लूबेरी मफिन। तो भाई बस ये खा के अब अपन सीधा घर की तरफ निकलते हैं। तो भाई अब हम दिल्ली की पेरिफेरी में एंटर कर गए हैं, आप देख सकते हो यार कितना ज्यादा फॉगी है यार, यही है भाई दिल्ली के स्मॉग का चक्कर यार। तो बस आप बने रहो हमारे साथ, थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं और एक फाइनल क्लोजिंग शॉट के साथ विद अ प्रॉमिस टू कम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो दिस इज़ योर फ्रेंड विक्रम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल विक्रम शर्मा माइलस्टोन मेमोरीज एंड हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज व्लॉग। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा, तो बने रहो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।